गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी लव्स फैशन। और आज का वीडियो प्रोडक्ट रिव्यू सीरीज का होने वाला है। सो लेट मी शो यू आज मैं आपके साथ क्या शेयर कर रही हूँ। वैसे थंबनेल पे देख ही लिया होगा। तो आज का बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, दैट इज फ्रॉम अगारो, ये रोलिंग कर्लर। भाई डाइसन तो देखो हम अफोर्ड कर नहीं सकते, 50,000 का आइटम हम हेयर टूल के लिए नहीं ले सकते, सो दैट वी कैन बाय दिस वन। चलो इसको दिखाती हूँ ये कैसा है। सबसे पहले तो इसकी पैकेजिंग बड़ी ही प्रीमियम लग रही है। सारी डिटेल्स आपको इसके बॉक्स में मिल जाएंगी, बट मैं भी आप लोगों को पूरा डिटेल्स देने वाली हूँ कि क्या है, कैसा है, इसे कैसे यूज करना है। सो ये है वो आयरनिंग रॉड। भाई क्या गजब का लग रहा है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है, बहुत ही इजी टू यूज है। आई ऑलरेडी यूज्ड वंस तो मुझे काफी इजी लगा। सो लेट मी शो यू इसे कैसे यूज करना है और इसकी क्वालिटी क्या क्या है। ये है अगारो प्रीमा रोटेटिंग हेयर कर्लर। इसकी 32 mm बैरल आपको परफेक्ट कर्ल देगी और इसका 360 डिग्री रोटेशन फीचर कर्लिंग को बहुत ही ज्यादा आसान बना देता है। टेम्परेचर भी आप अपने बालों के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जो कि काफी हैंडी है। और कोई भी हेयर स्टाइलिंग टूल यूज करने से पहले प्लीज यूज एनी हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे। आप कर्लर के टेम्परेचर को अपने बालों के टेक्सचर के हिसाब से सेट करो, और थिन हेयर हो तो लो हीट पे रखना और थिक हो तो ज्यादा पे। अब बालों को छोटे छोटे सेक्शन में इस तरीके से डिवाइड करो। ज्यादा बड़े सेक्शन लेने से कर्ल परफेक्ट नहीं आएंगे, सो कीप देम स्मॉल एंड मैनेजेबल। अब एक सेक्शन लो और बालों को यहाँ पे स्टैंड में इस तरीके से फंसा दो, और जिस साइड के बाल है उस साइड का जो बटन है उसको प्रेस करो। इससे क्या होगा, आपके सारे कर्ल्स एक ही तरीके के होंगे। एंड बस 8 से 10 सेकंड होल्ड करो, और इसमें बीपिंग बजेगी तो बीपिंग के रुकने तक उसे रोको, और उसके बाद जैसे ही बीपिंग स्टॉप हो जाए बैरल को हटा लो। अब आप देखो ये ब्यूटीफुल कर्ल्स बन गए हैं, देख रहे हो ना कितना ज्यादा इजी है। तब बालों को कर्ल्स करने के बाद थोड़ा सा स्प्रे लगा सकते हो ताकि कर्ल थोड़ा सा होल्ड हो। यदि आपके बाल में कर्ल यदि होल्ड नहीं होते हैं तो कोई भी सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हो। इसका जो बैरल है वो सिरेमिक कोटेड टाइटेनियम बैरल है, जिससे कि बालों की क्वालिटी काफी अच्छी रहती है और बाल जलते बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको पीटीसी हीटिंग और टाइटेनियम कोटेड बैरल मिल जाता है। इसकी हीटिंग अप टू 230 डिग्री सेल्सियस है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। 360 डिग्री रोटेटिंग कॉर्ड मिल जाता है, जिससे कि स्टाइलिंग करना काफी इजी होता है। कूल टच टिप आगे मिल जाता है इसमें, और लाइट इंडिकेटर भी है, और बेस्ट बात ये 2 साल की वारंटी के साथ आता है। सो नाउ यू कैन सी माय कर्ल्स किस तरीके से हुए हैं। सो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आगे के फ्रंट सेक्शन वाले जो है वो अपोजिट साइड में, पीछे के साइड में कर्ल करे जाते हैं, और जो ये वाले हैं वो आगे के साइड में इन साइड। तो दोनों साइड जो बटन है उस हिसाब से यूज कर सकते हो। एंड इवन स्टिल इफ यू वॉन्ट लाइक कि उल्टे करने हैं, यदि आपकी जरूरत है तो वैसे भी कर सकते हो। सो आई जस्ट लव दिस कर्ल्स। एंड यस, यदि आपके हेयर्स काफी ज्यादा सिल्की हैं और स्टे नहीं करते हैं कर्ल्स, तो उस पे आप कोई भी सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हो, जिससे कि आपके कर्ल्स ज्यादा देर तक स्टे रहे। ऐसे आयरनिंग रॉड वगैरह से यदि कर्ल करते थे तो काफी ज्यादा हाथ दर्द होने लगते थे, क्योंकि पकड़ के रखना पड़ता था। अभी इसमें पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है। एंड आई लव दिस प्रोडक्ट। और ये आयरनिंग रॉड डेफिनेटली हिट है, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा आपको यूज करने में एक बार दो बार प्रॉब्लम होगी, पहले बिना गर्म किए इसको यूज करने की कोशिश करो, एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद आप इसे कंटिन्यूअस यूज कर सकते हो। ये वाला पोर्शन कभी भी ज्यादा गर्म नहीं होता है, तो इसको आप पकड़ भी सकते हो इफ यू वांट। देन यस यू कैन चेक आउट दिस, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके इसे बाय कर सकते हो। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज वर्थ द प्राइस।